बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डी यू स्टूडेंट्स नए सवाल के साथ और आज का जो नया सवाल है वो है कंसोलिडेशन का और कंसोलिडेशन में भी क्या है स्टेटमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल पोजीशन और इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपको 13 मार्क्स के लिए सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल पोजीशन ही बनानी है और 2 मार्क्स के लिए एक छोटी सी एडजस्टमेंट करनी है तो इसका मतलब ये वो सवाल है ये बिल्कुल डिफरेंट सवाल था ज़्यादा टास्क नहीं है एक ही टास्क है और वो टास्क क्या है फॉर थर्टीन मार्क्स के आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बनानी है तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ टाइम ज़ाया नहीं करते क्योंकि जिस टाइम में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप देख रहे होंगे शायद पिछले कुछ वीडियोस में उतनी एनर्जी आपको नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि ये रात के दो बजे हैं और बहुत ज्यादा गर्मी है और इन लाइट्स की भी काफी गर्मी है तो चलते हैं टाइम जाया नहीं करते और क्वेश्चन को जल्दी से करने की कोशिश करते हैं क्या कहता है जी एस को इक्वायर्ड 75% ऑफ सी को ऑन फर्स्ट जनवरी 20X2 द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर वाज 5.5 मिलियन एट द डेट ऑफ एक्विजिशन सीको हैड रिटेन अर्निंग ऑफ 1.9 million and other component of equity which is share capital of 600000 the fair value of the nci at the date of acquisition was 1.2 million the summarized statement of financial position for asco as at 31st december asco and cco at 31st december 20x3 are shown below दोनों की हमें क्या दी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन दी गई है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट्स इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवल्स कैश टोटल एसेट्स इक्विटी अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी रिटेन अर्निंग्स लोन पेबल्स टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज द इन्वेंट्री ऑफ सी को इंक्लूड वन ट्वेंटी थाउजेंड ऑफ आइटम परचेज फ्रॉम एस को एस को सोल्ड दी गोड्स एट अ मार्कअप ऑफ ट्वेंटी परसेंट द ट्रेड रिसबल्स एंड ट्रेड पेएबल इंक्लूड एन इंटरा बैलेंस ऑफ फिफ्टी थाउजेंड अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने सारा काम करना है हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बनानी है तो देखो इंटरा ग्रुप बैलेंस जब हम रिसबल्स को ऐड करेंगे तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे फिफ्टी थाउजेंड जब हम पेएबल्स को ऐड करेंगे माइनस क्या कर देंगे फिफ्टी थाउसेंड। फिर क्या कहता है जी? आपस की जो ट्रांजैक्शन है उसकी इन्वेंटरी कितनी है? वन ट्वेंटी थाउसेंड। डी इन्वेंटरी जो हमने परचेज की है, और इसपे मार्कअप कितना था? ट्वेंटी परसेंट था। तो ये वैल्यू है वन ट्वेंटी परसेंट मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी। तो इसका मतलब हमारे पास अनर प्रॉफिट कितना है ट्वेंटी तो जब हम इन्वेंट्री को ऐड करेंगे तो माइनस क्या कर देंगे ट्वेंटी तो आपको मैंने फेस के ऊपर तीन एडजस्टमेंट्स कर दी और ये जो इन्वेस्टमेंट है इस इन्वेस्टमेंट में से जो हमने सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट की है फिफ्टी फाइव हंड्रेड वो भी माइनस कर देंगे ठीक है थीके? तो आप देख लें कि कितनी सारी बातें हो चुकी हैं शेयर कैपिटल सिर्फ किसका लिखा जाता है पेरेंट का अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी किसकी लिखी जाती है पेरेंट की और रिटेन अर्निंग पेरेंट प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ ऑफ पेरेंट फ्रॉम सब्सिड्री जो आपने पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ पेरेंट फ्रॉम सब्सिड्री ठीक है कुछ चीजें हमने देख ली चलते हैं सबसे पहले कहते हैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की वैल्यू बताएं तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जस्ट दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 8400 प्लस 3300 इट्स 11700 वी हैव टू फाइंड आउट द गुडविल गुडविल के लिए क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है फिफ्टी प्लस फिर वैल्यू ऑफ एट एनसीआईन विच ंड्रेड 1200 1200 ऐड हो गया माइनस क्या हो जाएंगे नेट एसेट्स एट एक्विजिशन तो नेट एसेट्स एट एक्विजिशन क्या है शेयर कैपिटल कितना है 2400 प्रीमियम कितना था 600 ठीक है रिटेन अर्निंग हम यहां से देख सकते हैं रिटेन अर्निंग क्या बताई हुई है उसने 1.9 1900 तो 24 फोर प्लस थ्री और फोर्टी नाइन हंड्रेड तो यहाँ से मैं क्या डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ फोर्टी नाइन हंड्रेड सो दिस वैल्यू इज़ योर गुड वेल कैलकुलेटर ले लें डबल फाइव डबल जीरो प्लस ट्वेल्व हंड्रेड माइनस फोर्टी नाइन हंड्रेड एग्जामिनर आपको ये वैल्यूज देता भी है आप यहाँ पे तो हम खुद फाइंड कर रहे हैं एग्जाम में आपको फार्मूला दिया होगा वन टू थ्री आप उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कहता है जी इन्वेस्टमेंट्स बताएं तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी 5700 उसने लिखी हुई है आपस की इन्वेस्टमेंट क्या है 5500 वो माइनस कर दे तो अदर इन्वेस्टमेंट जो कि अदर देन सब्सिड्री है क्योंकि जो 5500 है वो तो सब्सिडी में इन्वेस्ट की और जो सब्सिडी में इन्वेस्ट किया है वो क्या है जो सब्सिडी में इन्वेस्ट किया है वो हम एलिमिनेट कर देंगे क्यों क्योंकि वो गुडविल में जा चुका है इंडिविजुअल में तो हम वो रिकॉर्ड कर सकते हैं बट कंसोलिडेट कंसोल्टेशन में आपस की ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते इन्वेंट्री हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे 1600 प्लस 1600, 3200 क्योंकि 20 माइनस करेंगे रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स कैसे थे 740 प्लस 280 माइनस फिफ्टी इट्स 970. कैश कैश के लिए क्या करेंगे पी प्लस एस फोर्टी फोर्टी प्लस सिक्स इट्स 51. शेयर कैपिटल हमेशा याद रखना है किसका आता है पेरेंट का 8000, 2000. रिटेन अर्निंग कैसे करेंगे हमारे पास मैंने कहा था ऑप्शन बी गिवन होगा पेरेंट की रिटेन अर्निंग 5325 प्लस पोस्ट एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन कैसे पता चलेगी जब हमने खरीदा था 1900 की रिटेन अर्निंग थी अब कितनी है 1956 1956 तो 19 तो ये कितनी आ गई 56,000 पोस्ट एक्विजिशन है पोस्ट एक्विजिशन 56 का कितना परसेंट हमने किया है हमने किया है 75 तो 56 75% 42. परसेंट तो फोर्टी इसका मतलब क्या है इस रिटेन अर्निंग में 42 मैं क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा याद रखो एक बात क्या अगर सेलर पेरेंट होगा, तो मैं ग्रुप रिटेन अर्निंग से कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग से पर प्लस करूंगा तो हम देखते हैं द इनवेंट्री ऑफ सी इंक्लूड्स परचेज फ्रॉम एस 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 पेरेंट तो पर प्लस करेंगे पर हमने कितना फाइंड किया था ये देखें यहाँ पे हमने इन्वेंट्री से पर लेस किया था विच वॉज ट्वेंटी तो फाइव थ्री टू फाइव प्लस फोर्टी टू माइनस ट्वेंटी इट्स फाइव थ्री फोर सेवन फाइव थ्री फोर सेवन अगेन आपको ये एग्ज़ाम में फार्मूला गिवन होगा चार ऑप्शन या तीन ऑप्शन या दो ऑप्शन होंगी उनमें से आप सेलेक्ट करेंगे एनसीआई कैसे फाइंड करेंगे तो फिर वैल्यू ऑफ एनसीआईन विच वॉस which was 1200, 1200 प्लस पोस्ट एक्विजिशन कितना था 56, उसका कितना परसेंट 25 परसेंट ऐड हो जाएगा तो 56 का 25 परसेंट 14 प्लस 1200, तो वन टू वन फोर लोन का क्या करेंगे दोनों के लोन को ऐड कर देंगे तो ये आ गया 420 ट्वेंटी ट्रेड पेबल एड करके हमने इंटर ग्रुप में पहले माइनस किया हुआ था तो 990, 990 नाइनटी माइनस फिफ्टी एट्स नाइन तो ये देखें 13 मार्क्स के लिए हमने अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बना ली है अब लास्ट हमारे पास क्या था लास्ट हमारे पास है टास्ट टू टास्ट टू में हमने क्या करना है हमने उसे बताना है कि बताओ यूजिंग द इंफॉर्मेशन हाउ मच कैश हैड बीन पेड टोटल हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो फिफ्टी फाइव हंड्रेड थाउजेंड की है मतलब फाइव पॉइंट फाइव मिलियन की है तो कहते हैं इसमें हमने शेयर्स भी दिए हैं कैश भी है तो शेयर्स को सेपरेट कर दो तो बाकी क्या रह जाएगा कैश तो हम देखते हैं कैश कितना है तो हमने कितने क्या कहते हैं जी इट वॉज मेड अप टू शेयर्स इन एस फॉर एवरी वन इन सी कहते हैं हर एक के बदले मैंने अपने दो शेयर्स दिए हैं और मेरे दो शेयर्स की वैल्यू क्या है मेरे दो शेयर की वैल्यू है 1.5 तो ये शेयर ये इन्वेस्टमेंट है ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे देखो हमने ट्वेंटी फोर थाउजेंड हमारे पास शेयर है एक डॉलर का एक है हमने कितना एक्वायर किया है फाइव परसेंट तो एटीन हंड्रेड हमने एक्वायर किया है हर एक के बदले हमने दो शेयर्स दिए हैं तो 1800 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय टू थर्टी सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट फाइव उस दिन एक शेयर की प्राइस क्या थी 1.5 तो हमने कितनी वैल्यू के शेयर्स दिए हैं इट्स 5400 तो 5500 में से 5400 के हमने क्या दिए शेयर्स तो कैश कितना होगा 55 फाइव माइनस फिफ्टी फोर इट्स हंड्रेड कैश मैं दोबारा बता देता हूं जब भी जब भी क्या हो शेयर एक्सचेंज हो तो हम सब्सिडी के टोटल शेयर्स पे पहले परसेंटेज अप्लाई करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने टोटल शेयर्स इक्वायर कितने किए तो हमने टोटल शेयर्स कितने किए थे 75% out of. जो रेशो थी हमारे पास रेशो क्या थी 2400 का 75% इक्वायर किया था, परसेंट एक 1800. हर एक के बदले हमने दो दिए हमने इसका मतलब क्या है डबल शेयर दिए और उस दिन पेरेंट के शेयर की क्या वैल्यू थी मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी है शेयर्स की तो आप कहते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट 5500 है हमने जो शेयर्स थी उसकी वैल्यू बन रही है 5400 तो बताओ कैश इन्वेस्टमेंट कितनी है तो कैश इन्वेस्टमेंट है 100,000 उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा और इसी के साथ काफ़ी टाइम हो चुका है आप दोबारा मिलेंगे नई वीडियोस के साथ व रहमतुल्लाह